चश्मा में नई दया आई है जिनका नाम है वर्णिका। आइए इनसे मिलते हैं। हेलो वर्णिका। हाय हाय दिशा, हाउ आर यू? देखते हैं क्या गुल खिलाते हैं। शिट शिट। दया बहन आइए। कैसी लग रही हो पहले ये तो बताइए, आप जैसे थोड़ा सा लग रही हो कि नहीं? हाँ एकदम मेरे जैसे ही लग रहे हैं आप। देखिए देखिए ये चाबी। अरे ये भी लगा दिया, ये चूड़िया, ये नाक जो पहनते हैं ना, रिंग भी। ओह माय गॉड, ये आप सभी दया के जैसा ही पहना है। ठीक है अभी आप डायलॉग बोलिए। थोड़ा सा सिखा दीजिए आप किरदार में कैसे आऊंगा। ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा और क्या? थोड़ा सा बता दीजिए कैसे करना होगा। मेरा ही रोल लेके आप। शट। हे माँ, माता जी। हे माँ, माता जी। फंसी आप बादाम खाइए, बादाम से बुद्धि बढ़ती है। आप बादाम खाइए, बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है। गरबा भी थोड़ा सा बता दीजिए ना, जाते गरबा भी बताना पड़ेगा और क्या। ढोल बाजे ढोल 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 ढ
की गोल 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 तो ढम ढम बाजे ढोल। लगता है कि नए दयाबेन तैयार तो हो गए हैं। दया भाई तू इधर कब तक इधर दर्शन करेगी भाई? भगवान भी थक गए, कंटाल गए। चल अभी उधर हो, टप्पू को जाना है स्कूल, मुझे जाना है दुकान, सब नाश्ता चाय किधर है? कब से ऐसा क्या मांग लिया भगवान से? क्या श्राप या वरदान दिया तुमको? तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? ए बा, औरत ने मुझे समझाया कि मुझे आपके कपड़े दे दो, गहने दे दो, आज से मैं आपका किरदार करूंगी, मैं टप्पू की माँ बनूंगी, मैं। देखिए जेठा भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इनको। एक्चुअली दिशा, जेठा भाई बोला है, अभी जेठा भाई बोला है। मैं वर्णिका ही हूँ और मैं आपकी फैन हूँ, इसलिए मैंने यहाँ आपका ये गेटअप लिया है। सुबह आपने कितने प्यार से मुझे सजाया था, मैं आपको कोई रिप्लेस नहीं करती, क्योंकि दिशा ही दयाबेन का किरदार निभा सकती है। आप तो मेरी बहन जैसी हैं। ये समझ में आ गया, इतनी हेवी साड़ी और ये टप्पू और जेठा भाई को आप ही संभाल सकती है, मैं नहीं संभाल सकती, तो मैं रिपोर्टर बन के खुश हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों एक घर में रह सकते हैं। माता जी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।